समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के बैनर तले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती सार्वजनिक रूप से मनाई गई। कांग्रेस कमेटी व समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सामूहिक वंदना कर माल्यार्पण किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं सार्वजनिक जयंती के अवसर पर गुरुवार को दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ के बैनर तले जय भीम का नारा लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे और यहाँ स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सामूहिक वंदना कर माल्यार्पण किया और बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस संबंध में समता समाज के पदाधिकारियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी शख्सियत के जयंती पे उपस्थित हैं जिनका जन्म सदियों में एक बार होता है। बाबा साहब वो हस्ती थी जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। जब देश आज़ाद हुआ कानून व्यवस्था संविधान नहीं था और किसी देश को चलाने के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है, तो देश की सरकार ने बाबा साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया जिस पर आज हम लोग चल रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधानों का हर व्यक्ति हर समाज पालन करता है जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके किए गए कार्यों का अनुसरण करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। हम आज के दिन बाबा जी को नमन करते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस मार्ग पर हम चलें, यही संकल्प लेते हैं आज के दिन। संपूर्ण भारत में बाबा अम्बेडकर जी को बहुत तहे दिल से याद किया जा रहा है। आज उनकी 131वीं जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पूरे गांधी जी और पूरे प्रबुद्धजीवी लोग। हम ये जानते हैं कि विगत समय में जब हमारे महापुरुष लोग थे, अम्बेडकर जी उस समय बहुत छोटे थे और एक उस समय छुआछूत का दौर चलता था, परंतु छुआछूत से परे होकर उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी बहुत गरीब परिस्थिति में, आज उनका पूरे संपूर्ण देश में इस तरह नाम लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान लागू किया जो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। हम ऐसे महापुरुष को तहे दिल से नमन करते हैं और उन्हें संपूर्ण सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि ऐसे महापुरुष निर्णय ही जन्म लेते हैं और आज हम उनके पद चिन्हों पर चलने की और उनके संविधान पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज का यह जो आयोजन है भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का यह आयोजन है। 131वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम समस्त भारतवासी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्होंने इस भारत भूमि को एक सूत्र में बांधकर विश्व का सबसे बड़ा और लिखित भारतीय संविधान का निर्माण किया है और यह समस्त भारतवर्ष जो है किसी भी तंत्र के ना बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और उसके अनुसार संयमित और नियंत्रित होता है। पुनः समता सुरक्षा छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से समस्त भारतवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।